दोस्तों, दो दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने मॉरिटोरियम एक्सटेंशन जो बढ़ाने के लिए जो याचिका दायर हुआ था उसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा था कि हम लोग जो है कोई फिनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है और इस बारे में कोई भी आदेश हम यहाँ से जारी नहीं कर सकते कि कोई मॉरिटोरियम एक्सटेंशन दिया जाए। जो भी डिसीजन होगा ये सेंटर मतलब गवर्नमेंट का होगा और साथ ही साथ RBI का होगा, मतलब RBI और गवर्नमेंट जो है चाहे तो जो है मॉरिटोरियम एक्सटेंशन दे सकते हैं। सो ये कमेंट्स था एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का और ये बोलते हुए खारिज कर दिया था। दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो इसका रिएक्शन है वो आना स्टार्ट हो चुका है और आज एक जो है बहुत बड़ा अपडेट आया इसके बारे में, क्या है डिटेल्स आगे इस वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो को कम्प्लीट ही देखिए। मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी मॉरिटोरियम रिलेटेड वीडियो, क्रेडिट कार्ड फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर ही दिया है कि हमारे पास मत आइए, हम आपको कोई भी फर्दर रिलैक्सेशन नहीं देंगे। सो अभी जो है पिटीशन जो है दायर करके सुप्रीम कोर्ट में भी कोई फायदा नहीं कि दो बार पिटीशन दायर हुआ तो दो बार रिजेक्ट कर दिया गया है। सो जो भी अभी इशू है अभी डायरेक्ट जो है सेंटर के पास जो है डायरेक्ट हो रहा है, मतलब सेंटर के पास जो है इशू अभी जा रहा है, अभी ना कोई हाईकोर्ट में या फिर ना कोई सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है। एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कल के डेट में जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस EIMTC बोल के एक संस्था है जो कि पूरा पैन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट संस्थान है, इन्होंने जो है कल दोस्तों डायरेक्ट मोदी जी को चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि देश भर के 60% जो व्हीकल है, मतलब ट्रांसपोर्ट जो भी गाड़ी है, चार पहिया आठ पहिया जो भी है ट्रांसपोर्ट जो भी गाड़ी है वो जो है नॉन फंक्शनल है लंबे समय से, मतलब कोविड का फर्स्ट फेज सेकंड फेज गया तो काफ़ी लंबे समय से जो है नॉन फंक्शनल है, जिसके चलते उनका जो EMI है वो अभी प्रॉपरली हम पे नहीं कर पा रहे, जिसके चलते बहुत सारा NBFC या फिर बैंक जो है व्हीकल को जो है उठा के लेके जा रही या फिर सीज कर दे रहे। सो ऐसा सिनारियों को देखते हुए गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द जो है मॉरिटोरियम की घोषणा करे और एटलीस्ट जो है 30 सितंबर 2021 तक इसको जो है एक्सटेंशन दिया जाए। सो दोस्तों ये चिट्ठी था एग्जैक्टली जो कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मोदी जी को दोस्तों डायरेक्ट लिखा था और साथ ही साथ निर्मला सीतारमन जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी उनको भी जो है ये जो है चिट्ठी गया था। सो दोस्तों अब देखने वाली बात ये है कि जो भी इशू है ये तो जायज है, ये तो सबको पता है, जैसे हम आपको सबको पता है कि देश का हालत क्या है, वैसे ही देश के जो भी सेंटर में बैठे हैं जो भी गवर्नमेंट है उनको भी सब कुछ पता है। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि ये जो चिट्ठी गया है इनका इम्पैक्ट क्या होता है। सो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस रिक्वेस्ट का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट फर्दर कोई रिलैक्सेशन दे सकता है, आप मुझे ज़रूर बताइए। और जो लोग दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद डीमोटिवेट हो चुके हैं तो उनके लिए बताना चाहूँगा, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आगे आपको अभी क्या करना है, वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, उस पर आपको क्लियरली बताया मैंने आगे फर्दर अगर कोई भी एक्सटेंशन या रिलीफ नहीं देता है बैंक या NBFC या फिर लोन ऐप कोई भी तो आगे आपके साथ क्या हो सकते या फिर आपके लिए क्या करना सही होगा क्या करना गलत होगा। सो उस वीडियो को जो है कम्प्लीट ही देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।